किचन में आ गए हैं। आज बनाने वाले हैं अंडा चिल्ली रेसिपी, टेस्टी लाजवाब। तो दोस्तों, अंडा चिल्ली रेसिपी बनाने के लिए देखिए क्या क्या सामान ले लिए हैं। प्याज है, धनिया पत्ता, शिमला, लहसुन कूट लिए हैं, बारीक प्याज काट लिए हैं, साथ ही जीरा, कस्तूरी मेथी और गोल मरीच पाउडर है, साथ ही 2 हरा मिर्च है जो लाल हो गया है। अंडा ले लिए हैं। तो आइए दोस्तों, एकदम न्यू तरीके से हम बना रहे हैं अंडा चिल्ली रेसिपी। तो चलिए, अंडा चिल्ली रेसिपी बनाने से पहले अंडा में हल्का हल्का हम कट लगा लेते हैं। तो सारे अंडे में हम 2 भाग में कट लगा दिए हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो आइए इसी तरह सारे अंडे में हम कट लगा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सारे अंडे में कट लगा लिए हैं। तो चलिए, कढ़ाई गर्म है, तेल डाल, चम्मच के करीब में हम तेल डाल देते हैं, डाल दिए हैं, गरम होने देते हैं। दोस्तों, एकदम नए तरीके से अंडा चिल्ली बना रहे हैं, आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो गरम होने देते हैं तो हम अंडा फ्राई करेंगे। इतना खूबसूरत लग रहा है, कट लगाए हैं अंडा में। तो अंडा डाल दिए हैं, इसे एक तरफ फ्राई होने देते हैं, पलटेंगे। तो एक तरफ फ्राई हो गया, पलट लेते हैं, देखिए किस तरह से जो है कलर आया है। सारे अंडे को पलट दिए हैं, एक तरफ और फ्राई होने देते हैं, उसके बाद जो है हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों, अंडा फ्राई हो गया है, आइए हम निकाल लेते हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है फ्राई होने के बाद। तो दोस्तों, सारे अंडे हम निकाल लिए हैं, आइए और जो अंडे हैं इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों, सारे अंडे जो है फ्राई करके निकाल लिए हैं। तो चलिए, अब अंडा चिल्ली बनाते हैं, कैसे बनाना है स्टार्ट करते हैं। तो आइए, इसमें डाल देते हैं जीरा, मिर्ची डाल देते हैं, बारीक जो प्याज काटे हैं प्याज डालेंगे। तो चलिए, प्याज जो है भुना ही दिया है, आइए इसमें शिमला डाल देते हैं। ताकि प्याज डालेंगे, जब प्याज को हम बारीक काट लिए हैं, मतलब 2-4 टुकड़ा में। चिल्ली जब बनता है तो हल्का ही हरी भाजी भुनाता है, तो आइए भूनते हैं। हल्का भून लिए हैं, शिमला और प्याज हल्का भुना गया है, तो गोल मरीच पाउडर डाल देते हैं, साथ ही कस्तूरी मेथी डालेंगे, और ये मसाला में धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर डाल देते हैं। नमक डाल दिए हैं, नमक के साथ हम भूनेंगे। साथ ही टमाटर डालेंगे, टमाटर को बारीक काट कर डालेंगे, ताकि जो है टमाटर घुल जाएगा, क्योंकि आजकल का टमाटर में जो है मोटा मोटा छिलका होता है, इसलिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। Thank you.
पहले दोस्तों मसाला जो है अच्छी तरह से भुना गया है, तो आइए इसमें डालते हैं टमाटो सॉस। टमाटो सॉस डाल दिए हैं, तो आप डालेंगे चिल्ली सॉस। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करें, मसाला में मिक्स कर देते हैं। तो चलिए इसमें डालते हैं एक चिल्ली मसाला। दोस्तों एक चिल्ली मसाला के बिना एक चिल्ली नहीं बनेगा, तो आइए डाल देते हैं एक चिल्ली मसाला। ये एक चिल्ली मसाला है दोस्तों, मार्केट में मिलता है हर दुकान में, राशन की दुकान में। एक चिल्ली मसाला डाल दिए हैं, मिक्स करेंगे। कितना खूबसूरत लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है दोस्तों। आइए अब इसमें हम पानी डालते हैं ग्रेवी के लिए। इसलिए पानी डाल दिए हैं, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ले देते हैं, उसके बाद जो हम अंडा फ्राई किए हैं डाल देंगे। ये ग्रेवी जो है उबल रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आइए इसमें डालते हैं अंडा फ्राई। तो चलिए दोस्तों अंडा फ्राई डाल दिए हैं। अंडा फ्राई को ग्रेवी के साथ 2 से 3 मिनट तक उबाल लेते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही टेस्टी अंडा चिल्ली बनकर तैयार होगा दोस्तों। तो चलिए 2 से 3 मिनट उबाल लेते हैं। आइए इसमें स्वाद के लिए धनिया पत्ता डाल देते हैं। ऊपर से डालिए, धनिया पत्ता डाल दिए हैं। चलिए दोस्तों अब चूल्हा पर से हम उतार लेते हैं। मेरा जो है अंडा चिल्ली रेसिपी बनकर तैयार हो गया है। होने देते हैं दोस्तों, चूल्हा पर से उतर गया है तो ठंडा होने देते हैं। दोस्तों अंडा चिल्ली तो बनाकर तैयार कर लिए हैं, आइए रोटी के साथ प्लेटों में परोसते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थाली में रोटी डाल दिए हैं, तो चलिए दोस्तों अंडा चिल्ली देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। तो रोटी के साथ अंडा चिल्ली को प्लेटों में परोस लिए हैं, आइए खाकर बताइए कैसा बना है। दोस्तों अंडा चिल्ली बनाने का तरीका पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। अब मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।